अस्सलाम वालेकुम। आज 29 मार्च है 2024, 18 रमजान मुबारक, 16 चेतर, मार्केट -137 पॉइंट्स नेगेटिव, क्यूमुलेटिव इंडेक्स 67,005। रमजान माशाल्लाह बखूबी खैर आफियत से गुजर रहा है। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त अहबाब खैर खैरियत से होंगे, रमजान के मजे लूट रहे हैं। प्लीज़ इस रमज़ान में नमाज इबादत जो है वो आपकी ज़ात से ताल्लुक़ है, वह जितना हो सके लोगों की मदद करें, लोगों का आंसू पोछें, लोगों को खाना खिलाएं, लोगों की अफ्तारियां करें। ये तो अपना अपना यही वहाँ जो है ना इसका हिसाब होगा। बहरहाल कमिंग बैक, आज नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान लेके आए तारिक अजीज़ के लिए। नेशनल बैंक लास्ट हमने किया था 5/11/2024 को और उस वक्त ये 32.67 रुपये था, आज ये 38.24 रुपये है। इसमें जो ओपन थोड़ा सा ऊपर हुआ था 39.79 रुपीज़ और इसी पर रहा, हाई रहा और लो 37.81, क्लोज ये 38.26। वॉल्यूम इसमें 61,62,316। एक था कि ये शेयर जो था ना क्या कहते हैं 70-80 रुपए पे था, अब देखिए शेयर को क्या है, ये बिट चुका है शेयर 18 रुपए 31, इसका लो है, हाई इसके 41.74 रुपए और इसका जो रेंज आप देखिए ना तो वो इसी रेंज में ही फिरता रहता है। फाइनेंशियल ईयर बैंक का दिसंबर है और इसकी जो बड़ी स्ट्रांग इक्विटी प्रोफाइल है उसमें हम नहीं जाते। EPS इसका 24.37 रुपए, इसमें तो इसको मालूमाल कर देना चाहिए था अपने इन्वेस्टर को, मगर इनकी ये देखें जी 22 फरवरी को ये कह रहे हैं जी कुछ भी नहीं दिया। आज इनकी एनुअल जनरल मीटिंग थी, उसमें भी पता नहीं क्या हुआ, इन्होंने कुछ भी नहीं दिया, इतने स्ट्रांग EPS पे ये कुछ नहीं दिया। इसका प्रॉब्लम ये है कि ये जो 24.96 रुपए इनका कुछ श्रीलंका में प्रॉब्लम है, कुछ इधर उधर इनके पैसे फंसे, इस वजह से ये दे नहीं सकते। अब इनकी AGM कराची में होती है और इनकी AGM जब कराची में होती है तो वहाँ आप जो भी मेरे कराची के सब्सक्राइबर वो जाएं और इसको ये नोटिस होता है, एनुअल जनरल मीटिंग भी आ रहा है, ये हम खोल के देख लेते हैं। ये जनाब 28 तारीख को है, मतलब आज हो चुकी है इसकी मीटिंग इलेक्ट्रॉनिक मटीरियल, तो ये मोहन पिक होटल क्लब लोड में ये सब देखे ना, मैं पहले भी बता चुका हूँ, यहाँ भी गवर्नमेंट कंट्रोल एंटिटी है, वहाँ करप्शन, नेपोटिज्म, माफिया ये चीज़ होगा। तो लिहाजा इस शेयर को बिल्कुल ही बार बार ही उस पर लिखा है XD XD XD। इसने लास्ट कब दिया था, लास्ट इसने जो डिविडेंड दिया था ना आपको, वो इसने दिया था 2021 में, वो 10% फाइनल डिविडेंड। अब तक इतना पैसे ये रिजर्व में लेके जा रहे हैं, इनको क्या प्रॉब्लम है अल्लाह बेहतर जानता है। ये तो आप जाएं कंपनी सेक्रेटरी से पूछें क्यों नहीं दे रहे, तो मैं अपनी तज्जिया यही दे रहा हूँ, नॉट रिकमेंडेड, इससे बाहर निकल आए और दूर रहें। हमारी आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल का ख्याल रखिएगा, हमारे दूसरे चैनल का ख्याल रखिए। आजकल मैं सख्त मसरूफ़ हूँ चैरिटी ड्राइव में, आपको तस्वीरें भी शेयर कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ आप भी इस कार्यकाल में हमारे साथ शामिल होंगे। हमारा बजट काफ़ी ऊपर हो चुका है, थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है मुझे अपने आप को सस्टेन करने में, मगर कोई बात नहीं, अल्लाह मियाँ मसबुल असवाब है, कुछ कुछ हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। एक और वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। वस्सलात वस्सलाम खातम नबी। हमारी स्पार्क मैट्स 100% प्योर एंड नेचुरल, पाकिस्तानी बन के जियो, पाकिस्तानी पियो। हमारी स्पार्क मैट्स।